हेलो गाइस, मैं अकरम खान कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज 786 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर पालिका परिषद कांधला के चुनाव बड़े ही नज़दीक हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों पर माहौल आ चुका है और हम सर्वे कर रहे हैं, वार्ड टू वार्ड, डोर टू डोर, गली टू गली हम सर्वे कर रहे हैं। इसी सर्वे के दौरान हमें एक बहुत बड़े एक चेहरे मिल गए यहाँ पर, जिनका नाम है मोबिन राणा जी, जो कि नगर पालिका परिषद कांधला से चेयरमैनी पद के उम्मीदवार हैं। और उनके साथ में और भी बड़े चेहरे हैं, डॉक्टर सलीम साहब हैं और राणा जी हैं और कुछ लोगों का, मैं माफ़ी चाहूँगा, नाम से मुखातिब नहीं हूँ, मैं उनका नाम पूछूंगा, मुस्तफ़ा कुरैशी जी, आप इनका नाम क्या है? इकबाल भाई। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो इनके बीच ही मैं सीधा बात करता हूँ, चेयरमैन साहब के पास आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। आप हमें मिल गए अचानक से यहाँ पर सर्वे करते हुए, कैसा महसूस हो रहा है सर? जैसा काफ़ी नज़दीक चुनाव आ रहा है, क्या फीलिंग आपके अंदर आ रही है इस टाइम? बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह, धन से लाभ उमड़ रहा मेरे लिए। अच्छा जी, हाँ। क्या लग रहा है कि इस बार के टक्कर किससे होगी आपकी? बस टक्कर तो सभी की रहेगी हमारे से, पहले नंबर पे मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या विचार ऐसा आपके मन में आया था कि आप इलेक्शन के में आए और आके जो है इलेक्शन लड़े, क्योंकि आप एक जाना माना चेहरा, आपके भाई भी हैं, आप भी हैं, तो क्या ऐसा आपका लगा मन के आप आए राजनीति में? भाई मुझे अपने लोगों की एक खिदमत करनी थी, इसलिए मैं चुनाव में आ गया। और खिदमत तो हम वैसे भी कर रहे थे, लेकिन इस चेयरमैन नहीं माने पर राजनीति माने में ज़्यादा कर लेते हैं, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये खिदमत किस तरह की खिदमत है जो आप करना चाहते हैं लोगों की? खिदमत आपको पता है कि चेयरमैन के क्या काम होते हैं? जी, चेयरमैन के बहुत सारे काम होते हैं, शहर का प्रमुख नागरिक होता है चेयरमैन। बिल्कुल। अब जब चेयरमैन प्रमुख नागरिक होता है तो वो ये बताओ क्या नहीं कर सकता कस्बे का भाई। किसी आदमी को अगर किसी सहायता की ज़रूरत है तो चेयरमैन के पास जाता है कि भाई चेयरमैन साहब मेरा ये काम करा दो। आपस में भाई भाई में न इत्तफाकी होगी, लड़ाई होगी, तो उनका समझौता कौन करता है? चेयरमैन करता है। हमारी गली को ठीक कराने के लिए क्या काम होता है वो चेयरमैन कराएगा। नालियों को अगर ठीक कराएगा, कहीं से नाली टूट रही है वो चेयरमैन कराएगा। जो विकास कार्य है कस्बे का वो चेयरमैन ही तो कराएगा। तो जो समस्याएं हैं, जैसे हम डोर टू डोर और कस्बे बाहर घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये समस्याएं हमारी, उनकी सबसे बड़ी समस्या पानी की है कि, या क्या इस बात को आप अपने दिमाग में रखते हैं कि पानी की समस्या वाकई बड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, जल निकासी की समस्या हमारे कस्बे में सबसे ज़्यादा है। तो इसका समाधान क्या सोचा है आपने? समाधान होगा भाई, और इसका समाधान ये सोचा कि हमारे कस्बे में जो आसपास को तालाब होने चाहिए वो है नहीं, क्योंकि तालाब बनवाएंगे हम इंशाल्लाह। और जितना भी पानी हमारे कस्बे का जो जल भराव का पानी हैगा वो तालाब में छोड़ेंगे। अच्छा, लोगों की एक बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं नशा काफ़ी फैल गया कांधला में, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नशा तो बहुत फैल गया भाई। अब नशे को तो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे भाई। जो नशा करने वाले हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, हमारे जो परिवार बिगड़े हुए हैं, उनको जितने भी नशा करने वाले हैं उनको हम समझाएँगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नशा मुक्ति केंद्र भी भेजेंगे। अच्छा, लोगों को और जो बेचने वाले हैं उनको हम समझाएंगे ये कारोबार ना करें, दूसरा कारोबार कर लें, ये कारोबार ना करें नशे का काम, क्योंकि इसमें नस्लें ख़राब हो रही हैं। जब हमारे भाइयों की किसी की, जब मान के चलो किसी का बेटा बिगड़ रहा, किसी का भाई बिगड़ रहा, किसी का बाप भी बिगड़ रहा नशे में, तो उनके दिलों से पूछ के देखो जिनका घर खराब हो गया, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी एक शहर के जिम्मेदार आदमी जो होता है, प्रमुख आदमी होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको क्या लग रहा है ये जिम्मेदार जो थे, क्योंकि जिम्मेदार सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी शहरवासी जानते हैं, 10 साल से जिम्मेदार जो थे आजीवाजी दसन से, क्या कुछ कमियाँ रही हैं उनकी इस बार इस मामले में? हाँ, बेचारे सो रहे थे। हाँ, तो क्या अब फिर जाग गए वो लोगों के पीछे के लोग आ रहे जा रहे घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे। तो आपको लोगों का एक मानना और भी है कि लोग पसंद करते हैं यहाँ कि थोड़ा सा एक धागड़ आदमी, लोगों को पसंद करते हैं लोग, कि चाहिए कि धागड़ आदमी हो, तो क्या आप उस लेवल पे अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे लोगों के बीच? धागड़ नहीं चाहिए लोगों को धागड़ नहीं चाहिए, काम करवाने वाला चाहिए। दबंग टाइप लोग समझते हैं होना चाहिए? दबंग किस तरीके का चाहिए? ऐसा हो कहीं भी खड़ा होकर बोल सके उनके उनकी तरफ से? क्यों हम नहीं बोल रहे क्या? तो आप करेंगे? हम लोगों की आवाज़ ही तो उठा रहे हैं, हमारे भाइयों को सहयोग मिल रहा, सबका सहयोग मिल रहा, इंशाल्लाह काम करने लग रहे हैं, सबके लिए बोलने लग रहे हैं। और चाहिए ना, 36 बिरादरी हिंदू मुस्लिम साथ हैं हमारे। अच्छा, जैसे नरेश जी ने कहा था कि मैं जो नशा बेचने वाले हैं उनको बंद, उनकी नस्ल तक को खत्म करवा दूंगा और थाने पुलिस के जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सारी हैंडल करूंगा, तो सरकार है उनकी, अभी भी करा सकते हैं, तो चाहे चेयरमैन भी ना बने जब भी करा सकते हैं, करा कहाँ रहे बताओ मुझे। आप करेंगे इस काम को? बिल्कुल करेंगे भाई।
जो थाना पुलिस का कोई भी मामला शहर के अंदर अगर बनता है, थाने पुलिस तक पहुंचाने ही नहीं देंगे भाई। अगर कोई भी मामला बनता है थाने पुलिस में जाएंगे ही नहीं बंदे, उनका पहले सुलहनामा करा देंगे या हाँ, कदम उठाएंगे। बिल्कुल किसी को थाना पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है कि पड़ेगी नहीं, इंशाल्लाह पड़ेगी नहीं। अच्छा बरात घर को लेके भी लोगों की समस्या है? हाँ बरात घर को लेके समस्या है, बरात घर भी हम इंशाल्लाह बनवाएंगे। और बहुत सारी समस्या है हमारे कस्बे में, जैसे बरात घर हो गई, जैसे एक आपको बेरोजगारी का देखने लग रहे, बेरोजगारी की है तो बेरोजगारी के लिए भी हम कदम उठाने लग रहे अपने भाइयों के लिए। तो जैसे ये खाले बने हुए हैं, लोगों के खोखे रखे हुए थे एक दौर में इन पे, अभी उठवा दिए गए थे, क्या इस कदम को आप लाएंगे लोगों के सामने कि दोबारा से गरीब लोगों के खोखे वहाँ लग जाएंगे नगर पालिका के आदमी ने, क्योंकि खाले वगैरह? हाँ भाई वो तो देखो जो गरीब आदमी का कारोबार हैगा वो तो करेगा ही बेचारा, कहीं ना कहीं तो जाके करेगा, तो हमारे से जितनी भी सपोर्ट होगी उनके करेंगे। तो आप जो वादे कर रहे हैं पक्के वादे, ये वादे आप निभाएंगे जितने कर रहे हैं आपने? और वादे तो निभाने के लिए होते हैं ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की है हमसे और ये सारी विचार रखे अपने। और अब मैं सीधा आता हूँ इधर जो लोग खड़े हैं, क्या लगता है आपको सर जो इन्होंने कहा है अपने वादे निभा पाएंगे ये? हाँ इंशाल्लाह निभाएंगे भाई, पूरा निभाएंगे। और काहे के लिए कदम उठाया है भाई, पहले अगर जो काम सही होता तो फिर ये कदम थोड़े उठाते, ये थोड़े इलेक्शन लड़ते, जो पहले नहीं हिसाब बना ये बना देंगे इंशाल्लाह। पूरा यकीन है आपको? पूरा पूरा। चलिए आगे चलते हैं, और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर। डॉक्टर सलीम साहब यहाँ पर मेरी बराबर में है, सबसे पहले मैं इधर आता हूँ। सर क्या लग रहा है आपको, जितने वादे इन्होंने किए हैं चेयरमैन पद के, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ से कांधला से, तो वो खड़े उतर पाएंगे अपने वादों पे? भाई अभी तक ना तो हमारे पास कोई आया, अच्छा जी, ना हमारी किसी चेयरमैन से बात हुई, अच्छा जी। जितने भी चेयरमैन ने मैं यहाँ खड़े हमारे पास, मोबिन भाई आज भी मेरे पास ही आए जी, ठीक है जी। जिस तरह का इनका माहौल चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अब जिस तरह से ये बता रहे हैं आपके सामने 10 आदमियों के बीच में कह रहे, और इनका हिसाब किताब भी ठीक ठाक है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरीके से किसी चीज से पीछे हटने वाले तो ये नजर नहीं आ रही। ये आपने भी नोटिस किया होगा जी। आपको क्या लग रहा है इनकी टक्कर किससे है? टक्कर तो ये मान लो जी, अभी तक तो मुझे कोई टक्कर वाला नजर नहीं आ रहा, टक्कर वक्कर तो कहीं नजर नहीं आ रही, बट ठीक है चल रहा मामला, बाकी अल्लाह के हुक्म से टाइम आने पे सब कुछ आपके सामने आ ही जाएगा। तो पिछली बार जैसा कि यहाँ पे 10 साल से चेयरमैन रह चुके हैं हाजी वाजिद हसन साहब जी, तो क्या वो टक्कर लेंगे थोड़ी बहुत इनसे? भाई भाई वाजिद हसन साहब बहुत बढ़िया तरीके से चले थे कांधले के लिए, और कांधले वालों ने ये भी सोच लिया था कि चेयरमैन नहीं गया हम तो इंशाल्लाह विधायक बना देंगे, अच्छा ये भी सोच लिया था, एक सच है। अच्छा वो 5 साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन ये जो 5 साल गए जी, इसमें वे थोड़ा सा ये हुआ कि जो अपने लोग थे जिन लोगों ने उनके लिए सब कुछ किया, कंधे से कंधा मिला के रहे जी, वो उन सबको ही भूल गए, सबको इग्नोर कर दिया, इग्नोर मार दिया, आगे ना डिलीट पड़े रहो, बस ये राज मामला और तो कुछ नहीं। और ये बात काम की जी, काम का मामला ये है जी, है वार्ड नंबर 15। अच्छा जी, इससे पहली योजना में मेरी वाइफ सभासद थी, अच्छा इस वार्ड से जी, हम साथ ही थे हाजी वाजिद हसन के साथ ही थे, और यह है वार्ड नंबर 4। अच्छा, और ये सामने हो गया बिल्कुल वार्ड नंबर 8। 3 वार्डों की कहानी तो मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कड़वा सच है, ये समझ में नहीं आया तो यहाँ के मेंबरों की मिस्टेक कहूँ मैं, चलो मेंबर नहीं करना चाह रहे उसे छोड़ दो, लेकिन चेयरमैन साहब इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे इन 3 वार्डों में एक ईंट नहीं लगी इस 5 साल में। रहा कि क्यों हमारे वार्ड में काम नहीं हो पाया, आपने बताया 3 वार्ड है, क्या इसका ये कारण रहा कि आपकी जो कास्ट है मिर्जा कास्ट है, आपकी कास्ट से कोई उठ रहे कैंडिडेट तो इस वजह से नहीं हो पाया? ये तो वही बताऊंगा, हमें तो इतना पता है कि मैं जिस वक्त सभासद था, मेरी वाइफ सभासद थी इस वार्ड से, मैंने इन 3 वार्डों में क्या, बल्कि वार्ड नंबर 5 है बराबर में, अगर मेरे पास कोई आया तो मैंने काम से इनकार नहीं किया, और क्या दिखा भी दूंगा बता भी दूंगा, खुद किया, भाग दौड़ करी, सब कुछ करी, खूब काम हुए, लेकिन इस बार कोई कार्य नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं लगी, कोई खंभा नहीं लगा, कोई एक लाइट नहीं लगी, लाइट भी अगर लगी तो वो लिहाज हमारी शर्म लिहाज से 2-4 लगी तो वो लगी, वरना कोई लाइट तक नहीं लगी, ना किसी सभासद ने देखा यहाँ से। अगर हाजी वाजिद हसन साहब आप, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा है इस इलाके के, इस वार्ड के, आपको सभी लोग जानते हैं, आप फेमस भी हैं, आपके अपने परिवार भी काफी बड़ा है, तो अगर वो आपके पास आते हैं, आके आपको मनाएंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई एक्शन रिएक्शन तो जब होगा, क्या मनाते हैं, उन्हें मनाना होता है, उन्हें बुलाना होता है, सबसे पहले मिलते चिलते बात करते, क्या बनाते बेचारे? अभी जैसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ, कुछ प्लानिंग नहीं बन रही, बाद में बने शायद, अभी बावले हैं जो और फिर रहे भाई, और भी तो आ रहे। तो आपका रिएक्शन यही होगा जो आज यहाँ पर है अगर वो आए तो? बिल्कुल वही है भाई, और क्या करेंगे। और एक बात तो बताओ,
अब से पहले नजमुल इस्लाम बेचारे इधर से इधर घूम रहे थे, ठीक है उनका जैसा ही मामला रहा। भाई फैसल भी कई मरतबा आ चुके, सभी से मिल रहे, भाई साहब आपके समक्ष आपके सामने खड़े ये कई बार, भाई नहीं वो कौन सी वो है, क्यों मिल रहे, क्यों भाग रहे, क्यों दौड़ रहे, क्यों आ रहे, क्या वजह है, आखिर उन्हें क्या है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, इसी क्या वजह है, वो तो वजह वही जान सके जी, उसके बारे में मैं क्या बता दूं, लोगों में मिले नहीं है 5 साल, हो सकता है क्या पता उनका इरादा ना हो भाई इलेक्शन लड़ने का, सभी तो हो सके। अच्छा लोग जो है जैसा नरेश जी है तो कुछ मुस्लिम वोटर्स भी इस बार उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो मुस्लिम वोटर बढ़ रहे हैं ना ये सिर्फ एक दिखावा है, सब ड्रामा कर रहे हैं, जो कुछ और हिसाब के आदमी हैं 2-4 फैमिली वो तो पड़ा मान लूंगा मैं, वो उनके साथ तैर रहेंगे, बाकी का ये जो दिख रहा है ना जन से लाभ से बताने की हो रहा और हो रहा ऐसा कुछ नहीं है, सबका पता मुझे कौन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, आप हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती वक्त, और बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों के लिए भी और पब्लिक भी यहाँ पर खड़ी है। भैया आपका क्या कहना है, जो कि ये चेयरमैन साहब मौजूद हैं यहाँ पर, जो इन्होंने वादे किए, क्या खरे उतरेंगे अपने वादों पर? हाँ इंशाल्लाह खरे उतरेंगे, हाँ इंशाल्लाह। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर बात करेंगे, इधर आते हैं, सबसे पहले इधर खड़े हैं मेरे भाई खड़े हैं, इधर ये बैठे हैं। भैया क्या लगता है, भैया आपको जो वादे किए हैं पूरे करेंगे? बिल्कुल है जी, नए कैंडिडेट है, हमें उम्मीद है काम पूरा करेंगे। जो पुराने वाले थे उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने पहले कुछ किया ये ऐसी बात नहीं, अब जो नए कैंडिडेट हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं शहर के, नया चेहरा देखना चाहते हैं लोग, नया चेहरा देखना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है भैया? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर मिर्जा है जी, वार्ड नंबर 15 से मेरे छोटे भाई सभासद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हीं का कार्यालय है। भाई मोमिन नाना हमारे पास आए हैं, मुलाकात की, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, और इंशाल्लाह ये वादे पर खरे उतरेंगे। तो पूरी उम्मीद है तुम्हें पूरा खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। तो पिछली बार अभी आपकी कास्ट से भी एक कैंडिडेट आ रहा है जी, जो तो क्या अगर वो आपको मनाए तो उनकी तरफ भी जाए, उनकी तरफ जाएंगे? जब आएंगे इंशाल्लाह उनके बारे में सोचेंगे, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया? अभी तक कोई प्लान नहीं है। तो जो वादे इन्होंने किए उन पे खरा उतरने की उम्मीद है? इंशाल्लाह देखेंगे, सभी सुनेंगे, सभी कार्यालय है, अपने छोटे भाई के इलेक्शन में फिलहाल तो हम इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई कर दो,